आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड है स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपका जो कैमरे का ऐप है ना, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपका कैमरे का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, ठीक है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर है सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपका जो है इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको ना तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर है सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।